गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट टीचर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। चैप्टर है आपका फिफ्थ, प्रोनाउंस, सर्वनाम, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो येलो कलर की स्ट्रिप है उसमें प्रोनाउन की डेफिनेशन है, जो सर्वनाम कही जाती है, जिसे आपको रीड एंड राइट करना है। तो आ मीन्स एक, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द, यूज्ड मीन्स उपयोग, इन मीन्स में, प्लेस मीन्स स्थान, ऑफ मीन्स पर, आ मीन्स एक, नाउन मीन्स संज्ञा। एक सर्वनाम एक संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया गया शब्द है। जैसे आपने इसके पहले संज्ञा पढ़ा नाउन, उसी का बना है समझो प्रोनाउन। मतलब एक सर्वनाम है, एक संज्ञा के स्थान पर ये इस्तेमाल किया गया शब्द है। यूज्ड ऑफ प्रोनाउंस हेल्प अस टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। यूज मीन्स उपयोग, ऑफ मीन्स का, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, हेल्प मीन्स मदद, अस मीन्स हमारी, टू अवॉइड मीन्स अलग करने में, रिपीटिंग द सेम नाउन उपयोग करने में, सेम संज्ञा का, अगेन एंड अगेन बार बार। सर्वनाम का उपयोग हमें उसी संज्ञा को बार बार करना। हेयर आर सम प्रोनाउंस, यहाँ कुछ सर्वनाम हैं। नीचे पिक्चर्स हैं, जैसे पहले नंबर फर्स्ट बॉय है जो कह रहा है आई एम रमन, मैं रमन हूँ। यू आर नेहा, तुम नेहा हो। ही इज वैभव, दो लोग बता रहे हैं कि वह वैभव है। इस तरीके से अभी संज्ञा में ओनली नाम बताती थी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, पर इसमें साथ में सर्वनाम में एक विशेषता बता रहे हैं कि कौन क्या है, मैं क्या हूँ, ये कौन है, वह क्या है, इस तरीके से। नेक्स्ट है वी आर अ फैमिली, हम एक परिवार हैं। यू आर अवर नाइबर्स, आप हमारे पड़ोसी हैं। दे आर चिल्ड्रन, वे बच्चे हैं। तो पिक्चर्स के माध्यम से हमें सर्वनाम बताया गया है, मीन्स जो एक विशेष तौर पर विशेषता बता रहा है किसी ना किसी की। लुक एट दिस एग्जाम्पल, देखो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल। दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। इट इज अराउंड, इट इज राउंड, और यह गोल है। तो एक विशेषता बताई किसकी, टेबल की, कि यह एक टेबल है और यह गोल है। हेयर बी यूज इट प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ टेबल नाउन। द प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। यहाँ हम इसे सर्वनाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम यह जीवन के बिना चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्सरसाइज है आपकी पॉइंट ए, चूज एट द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। आपको सही व्यक्तिगत सर्वनाम चुनना है, ही सी इट दे। इससे हमें सर्वनाम है तो उनको चुनना है। आ फार्मर, तो आ फार्मर इसका पर्सनल प्रोनाउन क्या बनेगा सर्वनाम। आ फार्मर, एक किसान, तो ही, वह किसान है। आ बॉय, तो ही, किड्स, तो क्या लगेगा, दे।
बी अ डॉग ही अ बैग इट अ रोज इट अ फैमिली ही डॉक्टर्स ही ग्लोब्स इट तो ही सी इट दे इन सही शब्दों का आपको यूज करना है और करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन सर्वनाम बताना है. पॉइंट बी चेंज दीज सेंटेंस. यहाँ पे आपको सर्वनाम हैं सेंटेंस हैं जो उनको वाक्यों को चेंज करना है. एग्जाम्पल जैसे आपको दिया है माई फादर इज टाल. माई मीन्स मेरे फादर मीन्स पिता इज मीन्स हैं टाल मीन्स लंबे. मेरे पिता लंबे हैं तो इसका चेंज किया ही इज टाल वह लंबे हैं. दिस वॉल इज स्मॉल यह गेंद छोटा है. दिस मीन्स यह बॉल मीन्स गेंद इज मीन्स है स्मॉल मीन्स छोटा तो इट इज स्मॉल. ये हमारा वाक्य था और इसको हमने चेंज किया इट इज स्मॉल यह छोटा है. दिस रोज इज रेड. यहाँ पे हमें सीधा नेम दिया जा रहा है वस्तु का और यहाँ पे हमें उसकी विशेषता या फिर उसका सिर्फ हमें ये बताना है कि ये वही चीज़ है. दिस रोज इज रेड यह गुलाब लाल है. इट इज रेड यह लाल है. माई फादर इज अ फार्मर मेरे पिता किसान हैं एक किसान है. ही इज अ फार्मर वह एक किसान है. द क्रो इज थर्स्टी कौवे को प्यास लगी है. कौवा प्यासा है. ही इज थर्स्टी कौवा वह प्यासा है. तो इस तरीके से हमने ही इट का प्रयोग करके वाक्य को चेंज किया. तो इस तरीके से सर्वनाम को संज्ञा थी इसमें उसको हमने सर्वनाम में चेंज कर दिया. दिस बॉल इज स्मॉल तो इसमें बॉल एक नाम दिया गया था संज्ञा थी बॉल और इट इज स्मॉल यह छोटा है तो डायरेक्ट हो गया ये संज्ञा का सर्वनाम. तो फर्स्ट फिफ्थ चैप्टर आपका होता है कंप्लीट. प्रोनाउन आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों की डेफिनेशन को लर्न करना है. फियर नोटबुक पर इसका वर्क करना है बेस्ट राइटिंग में और चेक करवाना है.